आप सभी लोगों का एक बार फिर से राजेंद्र चौरागढ़े कोचिंग में स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवी के गणित का पाठ एक, जिसमें प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, यह हम पढ़ चुके हैं। अब प्रश्नावली 1.2 के पहले कुछ परिभाषाएं हैं, हम ये समझ लेते हैं ताकि प्रश्नावली 1.2 पढ़ने में आसानी जाएगी। पहली परिभाषा है अपरिमेय संख्या। पिछली बार हमने परिमेय संख्या पढ़े थे, ठीक, इसका उल्टा होगा अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इक्वल नॉट जीरो, मतलब यहां पर भी Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे करनी दो, करनी तीन, करनी पांच, पाई, 0.10110110110110। देखो यहां पे एक एक बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे एक बार एक है, यहाँ दो बार एक है, यहाँ पे तीन बार एक है, मतलब इस अंकों की पूर्णावती नहीं हो रही है। जब दशमलव के बाद किसी संख्या के अंक की पूर्णावती नहीं हो रही हो लेकिन वह अनंत तक भी जा रही हो तो वह एक अपरिमेय संख्या होती है। अब अगली प्रश्न परिभाषा है वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाती है। इसमें दोनों शामिल होगी, परिमेय भी शामिल होगी, अपरिमेय भी शामिल होगी। जब दोनों संख्या को मिला देते हैं तो एक वास्तविक संख्या बनती है। वास्तविक संख्या ने रियल नंबर, जैसे 1, 2, क्योंकि 1, 2 परिमेय संख्या है। करनी दो यहाँ पे हमने पढ़ चुके हैं एक अपरिमेय संख्या है। 3 परिमेय संख्या है। करनी 3 अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। 5/6 एक परिमेय संख्या है। 0.8 एक परिमेय संख्या है। अब दोनों को हमने मिला दिए, परिमेय और अपरिमेय को, तो एक वास्तविक संख्या बन जाती है। वास्तविक संख्या को R से प्रदर्शित करते हैं। आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका उत्तर होगा सत्य, प्रत्येक परिमेय अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कारण इसका यह है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करणी M के रूप का होता है, जहां M एक प्राकृत संख्या है। इसका उत्तर होगा असत्य, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करणी M के रूप का होता है, जहां M एक प्राकृत संख्या, यह असत्य होगा। कारण इसका यह है, संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु का एक पूर्ण वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका उत्तर होगा असत्य, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती। कारण इसका यह है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का ही संग्रह होता है, केवल अपरिमेय संख्या ही नहीं होती, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इसका उत्तर होगा सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। हम धनात्मक पूर्णांक जैसे ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ऐसे उदाहरण लेते हैं।
तो इसके जब वर्गमूल निकालेंगे तो करनी 1 का मान 1 होगा जो परिमेय संख्या है, करनी 2 का मान करनी 2 ही होगा जो अपरिमेय संख्या है, करनी 3 अपरिमेय संख्या है, करनी 4 यानी 2 होता है यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, करनी 6 एक अपरिमेय संख्या है, करनी 7 एक अपरिमेय संख्या है, करनी 8 एक अपरिमेय संख्या है, करनी 9, करनी 9 का मान हो जाता है 3, 3 जो एक परिमेय संख्या है। उपरोक्त उदाहरण को हम देखते हैं कि 1, 4 और 9 के वर्गमूल 1, 2 और 3 है जो कि परिमेय संख्या है, इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय संख्या नहीं होते। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करनी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यह हमारा प्रश्न है, इसे संख्या रेखा पे बनाना पड़ेगा। अब हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, हम एक संख्या रेखा ले लेंगे, यहाँ पे दे देंगे पॉइंट 0। अब यहाँ से गिनना है अपने को एक एक, एक इकाई मतलब मान के चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आगे तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ पहले इसमें ही लगाना है। तो यहाँ पे आ गया हमारा, इसको नाम दे देते हैं ए, इस बिंदु को नाम दे देंगे हम ए, इसको नाम दे देते हैं ओ दे देते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो एक इकाई है। अब इसके ऊपर अपने को समकोण बनाना है, हम समकोण बनाएंगे, जहाँ ए है ए पर अपने को समकोण बनाना है। जब हम समकोण बनाएंगे तो ये आ गया हमारा, यहाँ पर आ जाएगा समकोण सीधा। अब यहाँ से समकोण तो बना लिया हमने, लेकिन हमें सिर्फ 1 सेंटीमीटर का ही लेना है, हम सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक ही खींचेंगे। ये सीधा खींच लिया हमने, एक सेंटीमीटर तक खींच लेंगे हम, तो यहाँ पे आ गया हमारा एक, क्योंकि एक सेंटीमीटर नहीं है अभी एक इकाई है। अब इसे खींचते हुए यहाँ पे बना लेंगे ऐसा, बहुत छोटा बन रहा है, ये आ गया हमारा एक इकाई, इसे नाम दे देंगे हम बी। अब बी को ओ से मिला देंगे, हम बी को ओ से मिलाएंगे, जब B को हम O से मिलाएंगे तो एक हमारा समकोण निर्माण हो गया, तो O A B एक समकोण बन गया है। अब हम इसका मान निकाल लेते हैं, या थ्योरी में हमको लिखना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज O A B में कोण ए बराबर 90 अंश तथा ओ ए बराबर 1 और ए बी बराबर 1, ये हमारे पास हो गया है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो इसमें देख लेते हैं कर्ण क्या है हमारा, ओबी, ओबी का वर्ग बराबर ओए का वर्ग प्लस एबी का वर्ग, तो ओ बी का मान तो को है ही निकालना है, तो ओ बी बराबर ए ओ का मान है 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, और 1 का वर्ग हमारे पास 1 होता है और इसका वर्ग 1 का वर्ग 1 ही होगा, और 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, जबकि हमको ओ बी का मान निकालना है तो इधर वर्ग हटाएंगे तो इधर करनी लग जाएगी, यानी ओ बी का मान आ गया हमारे पास करनी 2, लेकिन हमें करनी 5 फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अभी सिर्फ करनी 2
निकला है, यानी ओबी का मान आ गया हमारे पास करनी दो, हम यहाँ करनी दो लिख देंगे। अब करनी पांच आया नहीं है तो पुनः हम अब जो बी है हम यहाँ पे समकोण बनाएंगे, ओ बी पे समकोण बनाना है, तो देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। अब हमें बिंदु बी पर रखना है, ये आ गया हमारा जीरो, ओ की ओर है ये जीरो आ गया इधर, और ये आ गया 180, लेकिन हमें को हमें 90 फाइंड आउट करना है, तो बी पर हम सेंटर वाला भाग रखेंगे और 90 बनाएंगे। इस साइड हमने यहाँ बना दिए हैं, लगा दिए हैं माप, अब इसे हटा देंगे और गिन लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमें सिर्फ एक ही सेंटीमीटर का बनाना है, यहाँ पे भी ज़्यादा बनाना नहीं है, हम सिर्फ देखेंगे कि एक सेंटीमीटर का होना चाहिए, मिलाकर देखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए थे, और ये आ गया हमारा इधर, तो यहाँ से हम पुनः एक सेंटीमीटर का खींचेंगे। हमने यहाँ पे 90 का निर्माण कर दिए हैं, अब इसे हटाकर हम पुनः इसे नाम दे देंगे C, जो निकला है इसे फिर से O से मिलाएंगे, O से मिला देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर एक का खींचा था, और ये करनी दो ओ बी का मान है। अब यहाँ समकोण बन गया है, तो समकोण के सामने वाली जो भुजा है ओ सी, ये हमारी कर्ण हो जाएगी। हम पुनः लिखेंगे अब पुनः हम देखेंगे कि ओ बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया है, इसमें ओ सी कर्ण हो जाएगा, तो ओ सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग, ये हो जाएगा। अब यहां हमको लिखना है समकोण त्रिभुज ओ बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। अब पाइथागोरस प्रमेय पुनः लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, अब यहाँ पे लगाएंगे तो ओ सी का वर्ग बराबर ओ बी का वर्ग, अब यहाँ देखो ओ सी का वर्ग बराबर ओ बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग हो जाएगा, ओ बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अब देख लेते हैं ओ सी का वर्ग बराबर, अब हमारे पास जो ओ बी का मान है वो है करनी दो, निकरनी दो का वर्ग प्लस इसका मान है बी सी का मान एक है, तो मैं एक लिख देंगे। अब ओ सी का वर्ग बराबर करनी से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा दो धन एक, यानी ओ सी का वर्ग बराबर तीन, नहीं ओ सी बराबर करनी तीन। अब हम यहाँ करनी तीन मिल गया है, हमें ओ सी का मान करनी तीन प्राप्त हुआ, लेकिन हम क्वेश्चन में करनी पाँच दर्शाना है, लेकिन यहाँ पर करनी पाँच अभी तक आया नहीं है, इसलिए हमें आगे और लेके जाना पड़ेगा, वही प्रक्रिया करना पड़ेगा। अब सी पर रखेंगे और सी पर ओ सी को आधार मानते हुए सी पर समकोण बनाएंगे, ओ सी को आधार मानना है और सी पे समकोण बनाना है, तो हम यहाँ बना लेंगे और पुनः एक का और करेंगे, यहाँ पे जब खींचेंगे तो समकोण इस प्रकार से बन जाएगा, एक सेंटीमीटर का फिर से हमने खींच लिया, यहाँ पे यह आ गया एक, और इसे हम फिर से मिला देंगे ओ से, और इससे नाम दे देंगे हम डी। अब समकोण बन रहा है हमारा सी पर, अब पुनः देखेंगे समकोण त्रिभुज
OCD में। अब समकोण त्रिभुज लेना है अपने को, समकोण त्रिभुज OCD में कोण C बराबर 90 अंश है। तो इसे जब हल करेंगे तो यहाँ पर हल करने पर हमें OD OD का वर्ग बराबर OC का वर्ग प्लस CD का वर्ग से हल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा करणी 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। जैसे हल करेंगे हम तो OD बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग से करनी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 और 1, 3 और 1 हो जाएगा 4। और OD का जब मान निकालना है तो करनी 4 हो जाएगा, और करनी 4 का मान हो जाता है हमारे पास 2, क्योंकि करनी 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो हमें OD का मान निकल गया है 2। लेकिन हमें अभी भी करनी 5 ज्ञात नहीं हुआ है, तो करनी 5 ज्ञात करने के लिए पुनः हमें उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। पुनः हमने वही प्रक्रिया की है, अब बिंदु D पर समकोण बनाया है, क्योंकि OD का मान 2 निकला था हमारे पास, ED का मान 1 आ गया है, अब OE का मान ज्ञात करेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज ODE में हम देखते हैं तो कोण D बराबर 90 अंश है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो OE का वर्ग बराबर OD का वर्ग प्लस ED का वर्ग हो जाएगा। हमें OE का मान ज्ञात करना है और OD का मान अपने पास 2 निकला है, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, OE का वर्ग बराबर 2 का वर्ग 4 होता है और 1 का वर्ग 1 होता है, तो OE का वर्ग बराबर आ गया 5। हम इधर से वर्ग हटा देंगे OE का, तो यह आ जाएगा करनी 5। अब फाइनली हमारे पास करनी 5 आ गया है OE का मान। अब हमारे पास OE का मान करनी 5 आ गया है, और करनी 5 में संख्या रेखा पर दर्शाना था। अब हम प्रकार में पेंसिल रखेंगे और O को केंद्र मानेंगे और OE को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे, और चाप संख्या रेखा पर जहाँ पर भी काटेगा वह करनी 5 का मान निरूपित करेगा। हमने प्रकार की नोक को ऊपर रखा है और पेंसिल को ई पर रखा है, और इसे होते हुए एक चाप काटेंगे। मैं चाप काटना है और देखते हैं चाप कहाँ जाके कटेगी संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर जो चाप काटने पर हमें इस जगह पर चाप कट रही है, तो हमें इसे फाइंड आउट। अब यहाँ पे हम इसे बिंदु F दे देते हैं, बिंदु हमने F दे दिए इसे। अब जो बिंदु F है यही करनी 5 का मान निरूपित करेगा। हम इसे यहाँ लिख देंगे O को केंद्र तथा OE को त्रिज्या मानकर एक चाप काटा जो संख्या रेखा पर बिंदु बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है। अतः अभिष्ट बिंदु F करनी 5 को निरूपित करता।
और ये हमारा आंसर हो जाएगा बिंदु एफ, जिस जगह पे है वह संख्या रेखा को करणी पांच पे निरूपित करेगा। प्रश्न बहुत बड़ा है लेकिन सरल भी है, आइए इसे पुनः एक बार देख लेते हैं मोटे तौर से। इस प्रश्न का पूरा अंक लाने के लिए हमें इस प्रकार से लिखना होगा, तभी जाके पूरे अंक आएंगे। एक बार पुनः देख लेते हैं हमने किस प्रकार से किए थे। एक पहले सबसे पहले हमने संख्या रेखा बनाए थे और यहाँ पे मान जीरो है, इसे हम ओ भी ओ नाम दे दिए हैं और यहाँ से एक एक दूरी लगा दी है, एक एक इकाई का। यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये आगे तक बढ़ सकती है लेकिन हमें आगे ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक से ही करना है। अगर हम दो से करते तो और जल्दी बन जाता, लेकिन हमें एक एक स्टेप से करना है, पूरा समझना है, तो हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ओ ए की दूरी एक आ गई है। अब यहाँ हमने को समकोण बनाना है ए पर, ए पर समकोण बनाना है और इसकी जो दूरी रहेगी एक इकाई की रहेगी। हमने सेंटीमीटर से लिए थे क्योंकि हम सेंटीमीटर से लेंगे तो सही सही बनेगा, और इंच से लेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम सेंटीमीटर से ही ले लिए हैं। तो ए बी है, ए बी की दूरी एक आ गई है, हमने एक ले लिए हैं और यहाँ से हमने इसको ओ से बी को मिला दिए, एक समकोण बन गया। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो ओ बी का मान निकला करनी दो। फिर जब करनी पाँच नहीं निकला क्योंकि हमें करनी पाँच फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हमें आपका सी पे कौन बनाएंगे, समकोण बनाएंगे सी पे, तो यहाँ पे ओ सी का मान करनी थी निकल जाएगा। उसी प्रकार से डी पे बनाएंगे, उसी प्रकार से ई पे बनाएं और ओ ई का मान फाइनली करनी पाँच निकल गया, और इसे हमें थ्योरी में लिखना है और चाप काटें। यहाँ पे चाप काटने में जो भी जहाँ पर भी कटता है संख्या रेखा पर, ये हमें करनी पाँच का मान दर्शाता है। अगले वीडियो में 1.3 पढ़ेंगे।